एमपी कांग्रेस में कलह। नमस्कार, बाद मुद्दे की मैं आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो रही हो, लेकिन सूबे की फिजा में सियासत का रंग तेजी से चढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सियासत और राजनीति हावी है, बीजेपी में जिस तरह से मेल मुलाकातों का दौर चला, बैठकों का दौर चला, भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुई और उसके बाद तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की अटकलें देखी गई, लेकिन इस समय कांग्रेस में अंदरूनी जो सियासत है वो गरमाई हुई है, या कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की कलह है वो अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। मामला जिस तरह से विंद से उपजा है, वहाँ से खड़ा हुआ है, और उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विंध्य में अच्छा खासा दबदबा रखने वाले अजय सिंह के बीच जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसे में कांग्रेस कमज़ोर नज़र आ रही है। और वैसे भी अगर कांग्रेस की हम बात करें तो सत्ता जिस तरह से गई, अपने ही रूट कर चले गए, उनको भी नहीं संभाला गया। ताज़ा विवाद कहीं ना कहीं त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ जो कुछ कह रहे हैं, राकेश सिंह चतुर्वेदी और अजय सिंह राहुल भैया की बात करें तो दोनों के बीच में जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव का वो मामला था, वहाँ से जो तल्खी है वो भी दिख रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ हो रहा है उससे लगता है कि कांग्रेस से इससे कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बात आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी कही है कि ये समय आपसी मनमुटाव का नहीं है, ये समय है एक होने का। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि भाई अगर अजय सिंह को कुछ प्रॉब्लम है तो वो पीसीसी चीफ कमलनाथ से बात कर सकते हैं, सूचना तंत्र बहुत मजबूत है, फोन तो ही लगाना है, मोबाइल से बात ही तो करना है। अब पीसीसी चीफ है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो अजय सिंह के घर थोड़ी जाएंगे, ये भी कहा है सज्जन सिंह वर्मा ने। कुल मिलाकर इस तरह की चीज़ें ये दिखाती हैं, ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो रही हो, लेकिन सूबे की फिजा में सियासत का रंग तेजी से चढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अभी से ही लगता है कमर कस ली है। बीजेपी में जहां मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है तो कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने 45 जिलों में अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। अच्छी बात यह है कि सभी राजनीतिक दल संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कांग्रेस में इस तरह की कवायदें कलह की वजह बन जाती हैं और विरोधियों को मिल जाता है मौका। जी हां, इस बार भी ऐसा ही हुआ। चौधरी राकेश सिंह को विंध्य का प्रभारी बनाए जाने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह नाराज हो गए। राकेश सिंह वही हैं जो एक बार कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके थे और फिर कांग्रेस में वापस लौटे। दूसरा, विंध्य के मैटर को लेकर अजय सिंह कितने सेंसिटिव हैं ये जग जाहिर है। कांग्रेस की सरकार गिरने पर जब कमलनाथ ने विंध्य को जिम्मेदार बताया था तो अजय सिंह ने कमलनाथ को वाणी पर संयम रखने की हाल ही में हिदायत दे डाली थी। बहरहाल कांग्रेस का यह अंदरूनी मामला है कि वो संगठन को किस तरह चलाए और क्या फैसले ले, लेकिन आपसी मनमुटाव और गुटबाजी खुद विरोधियों को मौका देती है। पुनर्गठन हो जाए ताकि आने वाले चुनावों में हमको उन लोगों से सहायता मिले जिनकी नियुक्ति मंडलम सेक्टर और बूथ कमेटियों में होंगी। आप कहीं कहीं होता है कभी किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन ये क्षेत्राधिकार एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का होता है, गुण दोष के आधार पे वो
कद के हिसाब से प्रभारियों का चयन करता है, इसमें कहीं असंतोष की कोई बात मैं नहीं समझता। कमलनाथ के ट्विटर के सुर बेसुरे हो गए हैं और वो उनके अपनों को भी पसंद नहीं आ रहे हैं। अब अजय सिंह जी ने उन्हें संयम बरतने की सलाह दी है। अभी तक मैं कहता था कि भाई आप जो मुद्दे उठा रहे हो ट्विटर पर ही राजनीति कर रहे हो, उन्होंने कहा है कि इनके बोलने से ट्वीट करने से कांग्रेस को नुकसान होता है। उनका बोलना उन्होंने बिंद का अपमान बताया है, ये अच्छा नहीं है। उनकी अपनी है, अभी तक हम पे इल्जाम लगा रहे थे कि हमारे कारण से सरकार गिर गई। अब बताओ माननीय कमलनाथ जी, अजय सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी वजह से सरकार गिरी है, आप कांग्रेस के लोग आपस में बैठ के तय क्यों नहीं कर लेते हो कि किसकी वजह से सरकार गिरी है? ये सही बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दल है और यही वजह है कि 2018 में कांग्रेस ने जोर लगाया तो सत्ता में वापसी भी की, लेकिन वही अंदरूनी कलह, वर्चस्व की लड़ाई और गुटबाजी ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखने में कांग्रेस में दिग्गजों और चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने शुभ लाभ के फेर में नुकसान पार्टी का होता आया है। मिसाल के तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ही लें। कमलनाथ के बयानों पर जब विपक्ष उन पर हमलावर है, ऐसे में उनके पक्ष में दिग्विजय सिंह का एक भी बयान सामने नहीं आया। दूसरे सियासी गलियारों में दिग्विजय सिंह के पुत्र मोह को लेकर भी बातें कही जाती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कहते थे तो कमलनाथ ने उन्हें टका सा जवाब दे दिया और नतीजा सत्ता जाती रही। कुल जमा मध्य प्रदेश में संगठन को गति देने के लिए कांग्रेस ने भले ही प्रभारी नियुक्त किए हैं, मंशा यही है कि पार्टी मजबूत हो, लेकिन गुटबाजी जिस तरह से कांग्रेस को कमजोर कर रही है वो तो सबको दिखता है, लेकिन पार्टी के आला नेताओं को क्यों नहीं, बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो जिस तरह से जिला प्रभारियों की नियुक्तियां कांग्रेस में की जा रही हैं, कवायद इसी बात को लेकर है कि संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि आगामी समय में कांग्रेस को अपनी जमीन को मजबूत करना है जो सरकार गिरने के बाद ही ली, और निकाय चुनाव हैं आगामी समय में, फिर विधानसभा के लिए कह सकते हैं कि 5 साल में आधा वक्त निकल चुका है, आधा ही बचा हुआ है, तकरीबन 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होंगे, और ऐसे में कांग्रेस जो कुछ सोच रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए, जिला प्रभारी नियुक्त किए जाएं, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं जो कांग्रेस को कमज़ोर करती हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहूँगा, उसके बाद पूरे पैनल के साथ अपनी डिबेट को आगे बढ़ाऊँगा। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोक जी। संदीप जी, स्वागत करता हूँ आपका। हमारे साथ में हैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। गुलरेज जी, आपका भी स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत। चूंकि बात कांग्रेस की आज के मुद्दे में, तो शुरुआत संदीप जी से ही करेंगे। संदीप जी, जिस तरह से बिल्कुल जो कांग्रेस कर रही है अच्छा कर रही है कि संगठन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के संगठन को लेकर जब कंपेरिजन होता है बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में, तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का संगठन है बीजेपी के मुकाबले कुछ कमज़ोर है, लेकिन उस कवायद को कांग्रेस कर रही है, जिला प्रभारियों की नियुक्ति कर रही है, लेकिन इस बीच में जिस तरह से ये जंग छिड़ी हुई है, जिस तरह से ये द्वंद्व छिड़ा हुआ है, अजय सिंह राहुल भैया, पीसीसी चीफ कमलनाथ, साथ में हम राकेश सिंह चतुर्वेदी की बात कर सकते हैं, आखिर इस तरह की चीज़ें और वो तमाम सारे सीनियर लीडर, उनमें दिग्विजय सिंह का नाम सबसे अहम आता है, क्यों इन चीज़ों पे विराम नहीं लग रहा है? लगातार बयानबाजी हो रही है, सज्जन सिंह वर्मा ने भी कह दिया कि भाई अगर अजय सिंह राहुल को कोई तकलीफ है तो वो फ़ोन पर बात कर लें, सूचना तंत्र बहुत मजबूत है। अब कमलनाथ है, उनके घर थोड़ी जाएंगे बात करने, क्या कहेंगे जी? संदीप जी, अजय जी बड़ी स्पष्ट जी संगठन किया है और संगठन को
भी गतिविधियां चलती है, सभी दलों में चलती क्या है बात जी थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कहूंगा कि संदीप जी का ऑडियो क्लियर करें, जब तक मैं कुछ बातें और दोहराए देता हूं। जो तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, तमाम सारे बयान चल रहे हैं, और आज ये भी बयान है सज्जन सिंह वर्मा का, उन्होंने एक सेकंड लाइन तैयार करने की भी बात कही है। जिस तरह से चर्चा लंबे समय से जयवर्धन सिंह को लेकर भी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी बातों पर उस पर भी मोहर लगती है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और सेकंड लाइन तैयार करना चाहिए इसको लेकर। जैसे ही संदीप जी का ऑडियो सही होता है, संदीप जी की बात पूरी लूँगा, चूँकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ पूरा ये मसला है, पूरा मुद्दा है। और डॉक्टर गुलरेश शेख साहब भी मुस्कुरा रहे हैं कांग्रेस के इस एपिसोड को लेकर, क्योंकि अभी दो दिन एक दिन पहले देखे तो बीजेपी की बैठकों पर भी तमाम तरह के सवाल गुलरेश जी खड़े हुए थे। मैं आपके भी पास भी आऊँगा, संदीप जी की पूरी बात आ जाए। संदीप जी, आवाज़ मिल रही है मेरी? चलिए, अब आपकी भी आवाज क्लियर आ गई है, बोलिए, आप शुरू करिए संदीप जी। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो भी एक्सरसाइज चल रही है, जो भी गतिविधियां चल रही है, संगठन की एक लगातार वाली प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात को बात की आती है कि जिस बातों को लेके एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस बारे में भी मैं आपको बात स्पष्ट बता दूं कि कांग्रेस एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो लाभ से क्षमा चाहूंगा में कि आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की आजादी, इस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं मिलती है। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता संगठन के शीर्ष के खिलाफ बात करता है तो उसके ऊपर अब कुछ लगना शुरू हो जाता है। लेकिन कांग्रेस पे प्रत्येक व्यक्ति को पूरी बात कहने का अधिकार है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है हमारी कांग्रेस पार्टी। संगठन के प्रकार की बात है, प्रभारियों की नियुक्ति की बात है, ये भी कोई नई प्रक्रिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा होता है, चूंकि निचले स्तर पर जाकर संगठन को ऊंचे ऊपर के निर्देशों का पालन कराना, ऊपर की जो विजन होता है उसको मजबूती के साथ खड़ा करना, इस सब कामों के लिए एक नए प्रभारी की नियुक्ति की जाती है और ये लंबे समय से चल रहा है, कोई नया काम नहीं है। तो इसमें भी कहीं कोई परिचर्चा का या डिबेट का कोई प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न नहीं बिल्कुल होता है। संदीप जी, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, डिबेट इस बात को लेकर नहीं है कि कांग्रेस अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर रही है, करना चाहिए। हम भी लगातार ये चर्चा करते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि विपक्ष भी काफ़ी तगड़ा होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं सरकार पर अंकुश लग सके। सवाल इस बात को लेकर कि कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आगामी समय में चाहे वो निकाय चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव, वो आपको फेस करना है। लेकिन अजय सिंह राहुल भी आपके एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, खासतौर पर एमपी के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि सबसे वरिष्ठ वो नेता हैं, क्योंकि अगर कमलनाथ जी की बात करें लंबा समय उन्होंने दिल्ली में गुजारा है। तो ऐसे में जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और खुलकर हो रही हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस मजबूत होने के स्थान पर कमजोर होगी? कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसमें हम निचले स्तर से कार्यकर्ता को मजबूत करते, हमारे यहाँ नेता महत्वपूर्ण नहीं होता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। आप जो बात कह रहे हैं कि अजय सिंह जी ने कोई इस तरह की बात की, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने की खुली आजादी है। जहां तक नेतृत्व की बात है तो मध्यप्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके पीछे सारे के सारे नेता खड़े हैं, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, चाहे माननीय अजय सिंह राहुल भैया हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, क्योंकि पार्टी में अध्यक्ष जिसको चलिए चलिए, मैं संदीप जी दोबारा आऊंगा, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं सवाल तो इसी बात को लेकर है। जिन नेताओं की आप जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो नेता इस एपिसोड में नहीं दिख रहे, सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं। मैं दोबारा आऊंगा संदीप जी आपके पास में। डॉक्टर गुलरेश शेख साहब क्या कहेंगे? जी मैं आऊंगा, मैं आता हूँ संदीप जी, मैं आपके पास में आऊंगा। हो सकता है बहुत सारी मजबूरियां भी होती है कहने के लिए, आप हालांकि एहसास कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है, आपका जो दायित्व है वो अपने तरीके से बखूबी आप निभा रहे हैं। डॉक्टर गुलरेश शेख साहब क्या कहेंगे पूरी इस एपिसोड को लेकर, साथ ही कहीं ना कहीं जो बीजेपी में देखने को मिला, मैं उस पर भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ चल रहा है कांग्रेस के भीतर, बीजेपी किस रूप में देखती है?
देखिए सबसे पहली बात तो यह सक्सेना जी कि यह इनके घर का इंटरनल मैटर है जी, जी. यह क्या करते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं. लेकिन एक बात है कि हम लोकतांत्रिक देश है, वो लोकतंत्र में कोई भी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो यदि अपने संगठन को मजबूत करती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है. हम भी चाहते हैं किसी मजबूत प्रतिद्वंदी के साथ कुश्ती का कार्य होकर चुनावी कुश्ती के. लेकिन आप ये देखिए ना कि 2019 में लोकसभा के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 29 में से केवल एक सीट मिली, 28 सीटों पर लाखों लाख वोट से इनके उम्मीदवार हार गए. उसके बाद 2020 में इनकी पार्टी में इतना बड़ा स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट हुआ कि दो पार्ट हो गए, इनकी सरकार चली गई. अब ये प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, मतलब इसके लिए आप ये मान के चलिए जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ शेमलेसनेस, मतलब बेशर्मी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल चाहिए किसी संगठन को कि इतने सब झटके खाने के बाद, इतनी दुर्गति होने के बाद प्रभारी नियुक्त करते हैं. लेकिन इनके घर का मामला है. लेकिन इसमें भी राजनीति हो रही है. इसमें राजनीति क्या हो रही है, कमलनाथ जी ने सब अपने लोगों को प्रभारी बना के नियुक्त कर दिया. वह क्यों किया, ताकि वो जो फेविकॉल लगा के अध्यक्ष की कुर्सी, नेता पर लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर फेविकॉल लगा के चिपक के बैठे, क्योंकि प्रभारी उनके होंगे, टिकट वितरण जब होगा उसमें प्रभारी की चलेगी. तो वो सब तरफ से वो अपनी राजनीतिक गोटियां खेल रहे हैं. और आप ये बोलिए ना कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है इस पर. अजय सिंह राहुल भैया कह रहे हैं वह इनके नेता है, सज्जन वर्मा कमेंट कर रहे हैं वह इनके नेता है. आप देखिए ना कि सब कुछ तो इन्हीं के हो रहा है. हम तो जो हमारी टिप्पणी है वह कर रहे हैं और बड़ी सही बात बोल रहे हैं. आप ये बताइए कि जो बेशर्मी का सबसे निचला पायदान होता है किसी संगठन के लिए, इतनी दुर्गति होने के बाद भी अपने घर को नहीं संभाल सके, वह कांग्रेस में है. चलिए चलिए गुलरेज जी में आऊंगा, घर की भी बात जिस तरह से निश्चित तौर पर बात कर रहा हूँ. आशीष दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है. आशीष जी, इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखें, क्योंकि बात तो मजबूती के लिए हो रही है लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं और शनय शनय अब बातें खुल के होने लगी हैं, बात जिस तरह से आंतरिक लोकतंत्र की संदीप जी कर रहे थे, लेकिन ठीक है होना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र तमाम सारी चीज़ें होती हैं, जब बड़ी पार्टी होती है तो तमाम सारी चीज़ें दिखती हैं. लेकिन अब शनय शनय एक एक करके तमाम तरह के बयानबाजी, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे हम बात अन्य नेताओं की बात कर लें, किस रूप में देखते हैं कांग्रेस को इस तरह के घटनाक्रम को आप? देखिए कांग्रेस में जो अभी ताजा जो एपिसोड है जी, ये एक्चुअली जो है ये दो नेताओं के बीच की एक पुराना जो एक मनमुटाव है जी, एक जो चोट है उसको लेकर के ये सब उभरा हुआ है जी. और यहाँ तक एक अध्यक्ष के नाते कमलनाथ को ये सोच, कमलनाथ ने अगर ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में कांग्रेस अगर कमलनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ती है तो अजय सिंह के लिए विंध्य में मुश्किल है. और यदि ये निर्णय एक अनायास ले लिया गया है तो फिर ये सोचने की बात है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के बीच में बहुत एक गहरी खाई बन चुकी है. और इसकी वजह आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि जब चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, वो बहुत अच्छे भी नेता है, देखिए मैं उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, एक अच्छे नेता है, हार जीत से किसी नेता का आकलन नहीं हो सकता, तो ठीक है वो एक अलग बात है. तो चौधरी राकेश सिंह ने जिस तरह से अपनी पार्टी छोड़ी थी विधानसभा के अंदर बात करते हुए और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से अजय सिंह पर आरोप लगाते हुए, तो वो जो एक फांस है वो अजय सिंह में है और उससे कांग्रेस का एक मोमेंटम खड़ा होने वाला था उस वक्त शिवराज सिंह के खिलाफ, वो खत्म हो गया. तो ये जो है वो भाजपा में चले गए चौधरी राकेश सिंह, सीधा सीधा उसका फायदा ये है. इसलिए अजय सिंह को ये बात बहुत नागवार गुजर रही है. और उन्होंने यदि वो कमलनाथ के बयान पे बात की है कि विंध्य सरकार गिरने का या गिरने का दोषी नहीं है, तो उसके पीछे ये बात है क्योंकि चौधरी राकेश सिंह को उस समय तक रीवा का प्रभारी बनाने की स्थिति साफ होने लगी थी. और रीवा और सतना, देखिए अजय सिंह का एक क्षेत्र है जहां पर वो काम करते हैं, ज्यादा सक्रिय होते हैं, वहां से चुनाव भी लड़ते हैं, सारी चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो वो सतना जिला होता है उनका, लेकिन एक पूरा अंचल है, उस अंचल के नेता है और उन्हीं ने उनकी एक तरह से अगुवाई समझ लीजिए पिछला विधानसभा चुनाव जो 2013 का विधानसभा चुनाव था उसमें सबसे अच्छे नतीजे विंध्य में कांग्रेस को मिले. तो
दुर्भाग्य से 2018 के नतीजे खराब हुए। तो ये सारी जो चीजें हैं और इस सारे प्रकरण में जो मुझे लगता है अजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो एक दरार आ रही है या जो एक स्थितियां बन रही हैं ऐसा लग रहा है, जो उसकी एक वजह मैं ये समझता हूँ, कमलनाथ के जो समर्थक नेता है यदि वो अजय सिंह को वरिष्ठ कहते हैं, कमलनाथ को वरिष्ठ कहते हैं, तो उन्हें इस बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, उनके बयानों से बात और बिगड़ रही है। आशीष जी एक सवाल, आशीष जी एक सवाल बनता है यहाँ पर, आशीष जी एक सवाल यहाँ पर बनता है, आपने जिस तरह से कहा कि दो नेताओं के बीच में जो कुछ खाई है, जो कुछ मनमुटाव है, जो तमाम सारी चीज़ें और विधानसभा के समय जब सत्र था उस समय की वो बातें हैं, तीसरी बात अगर हम पीसी चीफ कमलनाथ की हम बात करें, काफ़ी वरिष्ठ है, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से इसको सॉर्ट आउट सारी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इसमें कोई चौथा भी है जिसके लोग ये कहा जा सकता है कि पीछे से और भी कोई काम कर रहा है जिससे जो ये खाई है और गहरी दिख रही है। देखिए ये बिल्कुल साफ बात है, इसमें कहने की बात नहीं कि कमलनाथ के साथ जो टीम है जी, उसमें कांग्रेस के बहुत सारे सक्रिय नेता तो हैं ही, लेकिन कमलनाथ की अपनी किचन कैबिनेट है जी, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो पर्दे के पीछे दिखते नहीं है, उन सबकी भी सलाह है, उसमें भी कुछ ऐसे नेता हैं आप भी जानते हो जिनका अजय सिंह से बहुत रब्ता नहीं है, तो ये सारी बातें भी हैं। और दूसरी बात, अजय सिंह से जो है सुरेश पचौरी का भी थोड़ा सा बहुत नजदीकी नहीं नजर आती है, कभी भी बहुत बेहतर ट्यूनिंग कभी नहीं दिखती है, चौधरी राकेश सिंह को सुरेश पचौरी के बहुत करीब माना जाता था एक वक्त में, तो ये सारी बातें हैं। और राजनीति में देखिए किसने क्या किया और किसको ज्यादा चोट लग गई ये मायने नहीं रखता, नहीं ये रखता। वक्त की बात होती है तो राजनीति में इसके साथ चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। अभी तात्कालिक मुद्दा जो है वो सिर्फ ये है, और कमलनाथ एक बहुत सुलझे हुए नेता है और वो सबसे बड़ी बात है वो एक आलू की तरह है, मैं तो स्वीकार रहे हैं कांग्रेस में, सबको सारे गुटों के बावजूद भी लोग उनको स्वीकार कर लेते हैं, तो वहां पर आकर के जो जैसा मैंने सबसे पहले बोला कि कमलनाथ ने अगर ये सोच समझ के किया है तो फिर विंध्य में उनकी अजय सिंह की भूमिका क्या होगी आप समझ सकते हैं। और यदि ये कहीं किसी की सलाह पर हो गया है जी, चलिए मैं इसी बात को ले जाके मैं संदीप जी के पास में आता हूँ। संदीप जी, जिस तरह के तमाम नेताओं का आपने जिक्र किया, नो डाउट कांग्रेस के बहुत बड़े वो नेता हैं, वो चाहें तो इस तरह की स्थिति परिस्थितियों को बहुत जल्द बैठकर सुलझा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और जिन नेताओं का नाम आप ले रहे हैं, चाहे वो सुरेश पचौरी की बात कर लें, चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात कर लें, या फिर अन्य नेता जिनका आपने नाम उनकी बात कर लें, तो फिर क्यों नहीं इस पर वो अभी तक ना कोई बयान उनका आया, ना कोई उनकी बात आई, ना कहीं इस तरह की एक्सरसाइज दिखी कि इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हो कि भाई इसको आगे नहीं बढ़ाना है, यही शॉर्ट आउट कर लो। वैसे ही कांग्रेस की सरकार जिस तरह से गई वो धोखा खाए हुए बैठे हैं, ज़मीन फिर से तैयार करना है आगामी चुनाव के लिए, तो आखिर वो कहाँ गए? राजेश जी, बड़ी स्पष्ट सी बात इस बात को लेकर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन नेताओं को आप कह रहे हैं कि ये मौन है इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे, तो ये सबसे बड़ा इस बात का प्रमाण है कि तमाम नेता इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, साथ में कांग्रेस की बात करूंगा, चाहे सभी राजनीतिक दलों की बात करूंगा, जहां नीतिगत निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं, किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी में बड़े निर्णय होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, उस समय हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ दिल्ली के केंद्र स्तर से जो हमारे नेता यहाँ के लिए अपॉइंट होते हैं उनसे भी विचार विमर्श करने के बाद बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। हो सकता है इस निर्णय में कहीं कोई चूक ऐसी हुई हो, या हो सकता है कि इस निर्णय को समझने में कहीं कोई बात रह गई हो, तो उसे सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि संगठन के अंदर यदि कोई बात होती है तो वो मतभेद तक होती है, मनभेद तक नहीं होती। इस बात का प्रमाण, इस बात को लेके आदरणीय दुबे जी की बात को मैं आगे ले जाना चाहूंगा कि कमलनाथ जी एक आलू की तरह है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में तमाम हमारे कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के स्वीकार्य नेता है, एकमात्र नेता है, एक छत्रप नेता है, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से गुलरत जी की बात पे जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उनके जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि को इस तरह के शब्दों का प्रयोग संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर नहीं किया जाना चाहिए, कि उन्होंने कहा कि बेशर्मी का आलम है कि संगठन में जिला स्तर पे और संभाग स्तर पे अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए। तो क्या आपके संगठन में जिले के लिए और संभाग के लिए प्रदेश से एक बेड
प्रदेश से कोई प्रभारी नियुक्त नहीं किए जाते, अगर उनको नियुक्त किया जाता है तो क्या उसे भी बेशर्मी से आप शामिल करेंगे? दूसरी बात, जब आप सत्ता में आए थे, जिस समय आपने सत्ता की एक्सरसाइज को पूरा करके एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया था, क्या वह बेशर्मी नहीं थी? क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इस समय जो चल रहा है दौर, लगातार मीडिया में भी बना हुआ है, शिवराज सिंह के खिलाफ भी एक मुहिम बनी हुई है, चाहे हम तुषार जी की बात कर ले, पंचायत जी की, जिन्हें अभी ओएसडी नियुक्त किया गया था और बाद में बड़े नाटकीय ढंग से वो विड्रा हो गया, क्या ये बेशर्मी नहीं है? तो इन बातों को बड़े संजीदगी से लेना चाहिए, किसी भी घर परिवार के चलिए अंदर, चलिए संदीप जी, वक्त कम है, संजीदगी से लेना चाहिए। डॉक्टर गुलरेज कुछ कह रहे हैं, उन पे आता हूँ। डॉक्टर गुलरेज पर इस तरह मैं संदीप जी वक्त कम है, डॉक्टर गुलरेज जी का भी कमेंट ले लेता हूँ। जी, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के सामने रखा गया, मैंने क्या कहा कि इसके लिए मतलब कांग्रेस पार्टी 2019 के आम चुनाव में 28 सीटें हार गई और एक सीट पर जीती और लाखों लाख वोट से हारी। उसके बाद अगले उसके एक वर्ष के बाद आपकी पार्टी की सरकार, क्योंकि आपकी पार्टी में दो फाड़ हो जाते हैं इसलिए गिरती है, लेकिन अभी तक भी आप लोग प्रभारी नियुक्त नहीं कर पा रहे थे और इतने और इस लेवल तक के गिरने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेमलेसनेस का स्तर किसी संगठन का होता है तब जाके इतना गिर गया है। अब गुलरेज जी क्या है ना, गुलरेज जी क्या है, दोनों डॉक्टर डॉक्टर है ना, गुलरेज जी गुलरेज जी दोनों डॉक्टर, अरे गुलरेज जी दोनों डॉक्टर डॉक्टर है, इसीलिए चीड़ फाड़ तोड़ फोड़ हो रही है। गुलरेज जी चलिए 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 गुलरेज जी, मैं आशीष जी के पास में आता हूँ, मैं आशीष जी के पास में आता हूँ, वक्त कम है, मैं आशीष जी के पास में आऊंगा, वक्त कम है। गुलरेज जी मैं आशीष जी के पास में आऊंगा, वक्त कम है, छोटा सा कमेंट आशीष जी से लूंगा और मैं कह दूं दोनों डॉक्टर डॉक्टर है, चीड़ फाड़ तोड़ फोड़ बेहतर तरीके से, शायद मुझे लगता है इसी तरह की ये चीजें हो रही हैं। आशीष जी क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, मैं कंक्लूजन चाहूंगा उसको लेकर, कि क्या अब जिनका जिक्र मैंने संदीप जी से भी किया, उन नेताओं का जिक्र हमने किया, क्या लगता है कि इस तरह का जो एपिसोड है बहुत जल्द इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, या फिर जो बयानबाजी हो रही है इस मसले को और आगे बढ़ा रहे हैं सारी चीजें? देखिए, ये मसला जो बिगड़ा हुआ सा नजर आ रहा है वो सिर्फ कमलनाथ समर्थकों की बयानबाजी की वजह से। जी, यदि वो चीज मैंने पहले कहा वो संयत हो जाते, वो लोग बोलते ही नहीं, दो वरिष्ठ नेताओं का एक मामला है वो आपस में सॉर्ट आउट कर लेते, तो पहली चीज तो यहाँ से बिगड़ती है। उसी बात करते हैं कि दिग्विजय सिंह चुप है, पचौरी चुप है, अरुण यादव चुप है, तो ये लाजिमी बात है कि ये दो ऐसे नेताओं का मामला है जो पहले बात कर लें उसके बाद इनकी भूमिका शुरू हो जाए। दिग्विजय सिंह पिछले एक डेढ़ महीने से भोपाल में नहीं है, वो दिल्ली में है और माना जा रहा है कि वो अपना जो भी पॉलिटिकल जो भी वो भी देख रहे होंगे साथ में। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर ये इस वरिष्ठ नेताओं के लेवल पर इस तरह का कोई मतभेद यदि उभरता है तो उसको कमलनाथ को ही आगे हो गए, क्योंकि फिलहाल पार्टी के चीफ वही है और झंडा उनके हाथ में है, तो उन्हें सबसे आगे आके इसको सुलझाना होगा और तत्काल सुलझाना होगा। क्योंकि अजय सिंह, आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी शिकायत कर चुके थे कि उन्हें मिलने का समय नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें उस वक्त भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। अजय सिंह चूंकि चुनाव हार चुके हैं तो स्थितियां उनके साथ उतनी अनुकूल नहीं है, तो इसलिए वो सारी चीजें हो रही हैं। इसके पीछे कुछ और नेता निश्चित तौर पर इस निर्णय के पीछे होंगे और वो जानते होंगे कि कहां पर प्रेशर देने से अजय सिंह को दर्द होता है, तो वो सारी चीजें इसमें हुई हैं पूरे इस एपिसोड में। तो कमलनाथ को चाहिए कि इस चीज को सुधारे, क्योंकि बिंद में आज भी अजय सिंह से बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास कोई नहीं है, और चौधरी राकेश सिंह का कार्यक्षेत्र भिंड नहीं है, वहां से 1,500 किलोमीटर दूर भिंड है, तो बिंद में अजय राकेश सिंह चौधरी कभी स्थापित नेता तो हो नहीं पाएंगे, वो एक टाइम भी वहां पर जाएंगे देखेंगे। इससे बेहतर ये है कि आगे की रणनीति, क्योंकि चुनाव में बहुत वक्त नहीं है, तकरीबन 1.5 साल बाद चुनाव की गतिविधियां मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएंगी, जी, जी। तो इसके पहले सारी चीजों को सुधार लेना चाहिए और बिंद के अलावा भी कांग्रेस को और भी नतीजे लेना है, बहुत जगहों पर काम करना है, और बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसका जैसा मैनेजमेंट है उसके मुकाबले खड़े होना कांग्रेस के लिए बड़ी बूटे की बात होती है। तो वो चीजें यदि सब चीजें कर लें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बेहतर सशक्त विपक्ष मिल सकता है, लेकिन उसकी लय कायम करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ की होगी। बिल्कुल, काफी है।